नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले मूंगफली की उन्नत खेती के बारे में। जायद के सीजन में मूंगफली की खेती कैसे करें और बीज की मात्रा कितनी लगेगी और बीमारियां कौन कौन सी आती हैं मूंगफली में, और इसके साथ साथ किसान भाइयों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल कितने और कौन से देने पड़ेंगे और खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी लगती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ लागत लाभ मुनाफा के बारे में भी बात करेंगे किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लगाने के अनुकूल समय के बारे में। किसान भाइयों, यदि आप जायद में मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो मार्च से अप्रैल के मध्य बुवाई करना चाहिए, और यदि आप खरीफ सीजन यानी कि बरसात वाली मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो जून से जुलाई के मध्य किसान भाइयों आपको बुवाई कर देनी चाहिए, और इस समय यदि आप बुवाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जलवायु तापमान की बात करें तो ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और तापमान 15 से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए किसान भाइयों मूंगफली की खेती के लिए। अब बात करते हैं मिट्टी की, तो मूंगफली की खेती के लिए सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए किसान भाइयों। अब खेत एवं खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाइयों मूंगफली की खेती करने के लिए आपको 1 से 2 साधारण जुताई करें, उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें, और यदि ढेले ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो आप मिट्टी को भुरभुरा बनाने वाले यंत्र रोटावेटर से भुरभुरा बना लें। चूँकि मूंगफली एक तेल वर्गीय फसल है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो तेल वाली फसलों के लिए सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए यदि हम सल्फर की पूर्ति करते हैं तो मूंगफली का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और हमेशा बैड विधि से ही खेती करना चाहिए, इससे आपके उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे किसान भाइयों। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो आपको अपने क्षेत्र जलवायु मौसम के अनुसार किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो सबसे बेहतरीन उत्पादन दे, अच्छा रिजल्ट जिसका हो। फिर भी हम कुछ ऐसी किस्मों को बता रहे हैं जिनको लगाकर आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो नंबर 1 पर है हमारी किस्म चाइना पीनट वैरायटी, और नंबर 2 TBG39G10 और GJG32, CGM1 और GG22, और इसके अलावा जलगांव कादरी लपाकची 18-12 और TG37A। इन वैरायटियों को आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। इन वैरायटियों का जो उत्पादन है वो आम वैरायटियों सामान्य वैरायटियों की तुलना में बहुत अच्छा देखा गया है। तो ये हो गई किसान भाइयों वैरायटियों की बात। इसके बाद बात करते हैं बीज दर की, तो प्रति एकड़ मूंगफली की जो बीज दर है वो हमें लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप बुवाई कर रहे हों तो SSP 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली, और ये आपको जब बुवाई कर रहे हैं उस समय खेत में देनी है किसान भाइयों। मूंगफली की बुवाई आप 2 विधियों से कर सकते हैं, या तो आप छिटकवा विधि से कर सकते हैं या आप सीड ड्रिल मेथड से भी आप बुवाई कर सकते हैं। बुवाई आप किसी भी तरीके से करें लेकिन किसान भाइयों आपको बैड विधि से ही खेती करना चाहिए। बैड आप बैड राइजर या बैड मेकर से आप बना लें, और इसके लिए जो आपको बैड की चौड़ाई है वो 2 फीट रखना है, बैड से बैड की दूरी 2 फीट और बैड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज उपचार के बारे में, तो यदि बीज उपचार आप मूंगफली का करके बोएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके लिए आप झेलोरा फंजीसाइड की 10 किलोग्राम बीजों को 20 ml की दर से उपचारित कर देंगे तो आपका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होगा। प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच, और गड्ढे की गहराई मतलब आपको 2 इंच की गहराई पर बीजों को बुआई करना चाहिए। एक बेड पर 2 से 3 लाइनों में आप मूंगफली की बुआई कर सकते हैं, इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। सिंचाइयों की बात करें तो यदि आप गर्मियों में मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर पद्धति से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, वहीं यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 18 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। बाकी सिंचाई की जो मात्रा है वो निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, यदि हल्की मिट्टी है
सैंडी लोमी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। वहीं यदि ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, तो आपको सिंचाई ज़्यादा देरी से करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सिंचाई कर सकते हैं फसल की आवश्यकता के अनुसार। यदि आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार का उगना स्वाभाविक है, तो खरपतवारों के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड पेंडीमेथिलीन 30 EC 600 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा हम सलाह देंगे कि आप निराई गुड़ाई करके ही कोशिश करें कि खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो कर सकें किसान भाइयों। अब इसके बाद ये तो हो गई प्री इमरजेंस की, अब पोस्ट इमरजेंस के बारे में बात करते हैं। यदि अब पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है उसको कंट्रोल करना है तो हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए और कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो आप निराई गुड़ाई करके ही कंट्रोल करें, और दूसरा यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हम जो आपको बताने वाले हैं इन दवाइयों का उपयोग करके आप कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो जब हमारी मूंगफली की फसल 2 से 3 पत्तियों की हो जाए और समय लगभग 25 से 30 दिनों की हो जाए, तो उस समय हमें एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड लेना है। वो है अदामा इंडिया कंपनी की 800 ml और 200 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करके खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो मूंगफली की फसल में प्रमुख रूप से टिक्का रोग और पीला मोज़ेक की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको सल्फर युक्त जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, SSP में भी सल्फर की मात्रा पर्याप्त होती है, तो इसका आपको उपयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए। मूंगफली की खेती यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही बीमारियों की समस्या आती है, तो प्रमुख रूप से बैक्टीरियल बिल्ट, लीफ स्पॉट, टिक्का रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो बैक्टीरियल बिल्ट यानी कि जड़ गलन की जो समस्या है वो आपको खरीफ की मौसम में जो आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ही देखने को मिलती है। रूट रोट जड़ गलन की समस्या है तो कंट्रोल करने के लिए बायर की एलीट या रोको फंजीसाइड 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ देना चाहिए। यदि समस्या ज़्यादा बढ़ गई है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम मिलाकर सिंचाई के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इससे आप ट्राइकोडर्मा यदि दे देते हैं तो आप रूट रॉट की जो समस्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे की बात करें तो जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिनों की होती है तो स्वाधीन फंजीसाइड 40 ग्राम और बायर की कॉन्फीडर 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके साथ आपको स्प्रेडर चिपकू मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली की जो पत्तियां हैं उसकी सरफेस काफ़ी चिकनी होती है जिसकी वजह से हमारा जो घोल है वो पत्तियों पर चिपकता नहीं, इसलिए स्प्रेडर चिपकू मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे की बात करें तो जब हमारी फसल लगभग 55 से 60 दिनों की होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम और बायर की सोलोमन 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से यदि आप इनका स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छी फसल होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर। तो मूँगफली की फसल में हमें सल्फर की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो ऑयल कंटेंट है वो सल्फर पर निर्भर करता है, तो हमें सल्फर की पूर्ति करना चाहिए। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। दीमक को कंट्रोल करने के लिए रिजेंट दानेदार 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए किसान भाइयों। फर्स्ट खाद जब हमारी फसल लगभग 30 दिन की हो जाती है तो यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, सल्फर 90%, WDG फॉर्म 3 किलोग्राम और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की जब फसल हो तब हमें देना चाहिए, और इसमें यूरिया उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। मूंगफली की फसल लगभग 4 महीने के आसपास की होती है, 120 से 125 दिन का समय लगता है, और वहीं उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। और
बाजार भाव की बात करें यदि, तो मूंगफली का जो हम औसत एक एवरेज बाजार भाव देखते हैं तो हमें लगभग 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बाजार भाव देखने को मिल जाता है। और मूंगफली की लागत जो एक एकड़ में आती है खेती करने में, वो लगभग 18 से 20000 रुपये के आसपास आती है किसान भाइयों। और प्रॉफिट की बात करें यदि, तो मूंगफली की यदि हम खेती कर रहे हैं और तो लगभग हमें जो शुद्ध लाभ है वो लगभग 75 से 80000 रुपये के आसपास लागत काटने के बाद मिल जाता है किसान भाइयों। अब यदि मूंगफली की खेती हम कर रहे हैं और उत्पादन और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें समय समय पर मूंगफली में लगने वाली जो बीमारियां हैं, मुख्य रूप से टिक्का रोग है, फलियों में दाने भराव की समस्या है, दाने कम भर रहे हैं, तो समय समय पर हमें खादों को देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें कोई सा प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है उसका जो स्प्रे है वो सिंचाई के साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप पैक्लोब्यूट्राजोल कल्टार के नाम से आती है 30% ईसी वाली, इसको आप 200 लीटर पानी में मिलाकर सिंचाई के साथ दे सकते हैं किसान भाइयों। तो इससे जो फलियों की दाने भराव की समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और आपको समय समय पर मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाने अर्दिंग अप की क्रिया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेगिंग स्टेज होती है लगभग 55 से 60 दिनों की जो मूंगफली की अवस्था होती है, उस समय आपको मूंगफली में मिट्टी जरूर चढ़ा देनी चाहिए, जिससे फलियों का जो साइज है वो भी प्रॉपर मात्रा में आता है और दाने भराव की समस्या जो है वो भी कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों। यदि फसल बढ़वार नहीं ले रही है, फसल छोटी रह गई है, तो आप चमत्कार के नाम से आता है तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। अब या तो आप चमत्कार का स्प्रे करें सिंचाई के साथ दें, या फिर आप पैक्लोब्यूट्राजोल, इनमें से किसी एक को ही देना है किसान भाइयों, इन दोनों को एक साथ नहीं देना है। अब यदि मूंगफली की हमारी फसल अच्छी है, स्वस्थ है, हरी भरी है, तो हमारा जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताई मूंगफली की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती की जानकारी किसान भाइयों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें किसान भाइयों। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।